press the bell icon on the YouTube app and never miss an... Ahmed Qureshi साहब ने भी ज्वाइन किया जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से और आजकल काफी प्रॉब्लम्स में लग रहे हैं अहमद तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही चलूंगी कि अभी आप इसराइल गए थे और उसके बाद बहुत लग रहा है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके जाने को बिल्कुल पहले तो मैं ये अर्जू कह दूं कि मैं कोई किसी ट्रबल में नहीं हूँ आई एम वेरी रिलैक्स्ड आई एम हियर इन इस्लामाबाद और बेहतरीन यानी कि और सबसे मुलाकातें हो रही हैं तो आई एम नॉट इन एनी ट्रबल। आपका इशारा शायद वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पे डॉक्टर शरीन मजारी साहिबा की ट्वीट्स और ये बातें हैं और फिर उनका जो पूरी ट्रोल आर्मी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस मौजू के पीछे और मेरे पीछे लगी हुई थी तो वो तो चले वो तो हम आप भी और मैं भी और हम जो मीडिया में हैं मेजर साहब भी जो इस तरह आते हैं मीडिया पे वी हैव लर्न टू डेवलप थिक स्किन्स व्हेन इट कम्स टू दिस सो इट्स पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स इसमें कोई इशू नहीं है। तो बाकी जो है ये जो आप इसराइल का विजिट है ये इज जस्ट आप एक तरह से कह सकती हैं स्टडी टूर इट्स अ स्टडी टूर और उसमें कुछ पाकिस्तानी शहरी थे पाकिस्तानी सिटीजन और ज़्यादातर जो हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी से सम ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू इवन प्रेजिडेंट बाइडन इस वक्त कपल ऑफ देम आर फ्रॉम हिज कंस्टिट्यूएंसी डेलावेयर में और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स भी हैं एंड सम ऑफ देम आर ऑन ऑन पैनल्स वाइट हाउस पैनल्स ऑन अमेरिकन मुस्लिम एंड पाकिस्तानी अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसमें लॉबिंग एंड सो फोर्थ सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिट and we got to meet Israeli officials including the Israeli president president Isaac Herzog or Knesset members we were hosted by the speaker of the Knesset for 5 hours it was very good it was really excellent lekin mujhe ye bataiye ki kyun pakistani passport pe ye likha hua hai ki hum Israel nahi ja sakte aur uske sath terms nahi hai jabki problems to hamari bharat ke sath bhi hain ye it's a very logical question agar hamari itni mushkilat bharat ke sath ho sakti hain और इसके बावजूद जो है हमारी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी है बेशक अभी पिछले 2 साल से रुका हुआ है लेकिन है और वी हैव एम्बेसीज इन बोथ कैपिटल्स व्हाई नॉट इजराइल हमारा तो कोई ऐसे वी हैव नो कॉन्फ्लिक्ट रियली विद इजराइल। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको ये बता दूँ मे बी लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो दिस 57 मेंबर कंट्रीज ऑफ द OIC मेरे ख्याल में सिर्फ 2 या 3 रह गए हैं जिनके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है वन इज पाकिस्तान आई थिंक अनदर वन इज कुवैत बांग्लादेश ने जो है वो आई थिंक ईयर एंड हाफ पहले रिमूव कर दिया था आई रियली डू नॉट नो ऑफ एनी अदर कंट्री जिसने अपने पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ हो मेंबर कंट्री ऑफ OIC हाफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द OIC कंट्रीज जो मेजर मुस्लिम नेशंस हैं मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस हैव डिप्लोमेटिक वेरी एक्सलेंट इनफैक्ट नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक बल्कि वेरी वेरी क्लोज पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट विद इसराइल यू टेक ऑल द सेंट्रल एशियन मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस यू टेक अज़रबैजान तुर्की You take Morocco, Egypt, Jordan, and of course now the UAE and Bahrain. Sudan probably is coming up. You have Kosovo, Albania. So major Muslim countries, Indonesia, ke already contacts hain. Malaysia, thoda sa bhi wo bahir hai, completely out hai. So isme bahut progress hai. Everybody knows ke all the gas and oil in Israel really comes from most of it really comes from Turkey and Azerbaijan, two important member states of OIC. So it's really not an issue. ये कोई इतना बड़ा issue नहीं है पाकिस्तान में ज्यादा issue है because unfortunately हमारे यहाँ political leaderships ने over the years and decades, especially in the last 4 decades, इसको बहुत ज्यादा emotional और इसको बहुत ज्यादा religion से attach कर दिया और उसका result हम देख रहे हैं कि you cannot have a sane discussion in Pakistan with a lot of the people, ordinary people. It's a good thing कि मेरा जो experience है मैं तो वापस आया हूँ इसराइल से it's my third day today. And everyone I spoke with, people in whether in government, different government departments or Pakistani media, everybody understands it. Everybody understands ki it's not koi aisi badi cheez nahi hai. Lekin it's important thing. Lekin obviously on a popular level, wo hamare yahan extremism, especially jo setback pichle 3-3.5 saal mein Pakistan ki jo counter extremism effort thi. जो हमने 9/11 के बाद शुरू की थी उसको जो बहुत बड़ा धचका और सेटबैक लगा है इन द लास्ट 3.5 or 4 years दैट्स अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत और हमारे दोस्तों के लिए भी होना चाहिए बिकॉज हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी टू काउंटर एक्सट्रीमिज्म इन द लास्ट 10 to 15 years और ये 3-3.5 साल में पुशिंग पाकिस्तानी स्पेशली यंगर जनरेशन को वापस
और किसी एक्सट्रीमिस्ट जमात ने किया, अनफॉर्चुनेटली अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज सपोज्ड टू बी अ पार्टी ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड अ पार्टी व्हिच वुड। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। Re-establish Pakistan's links to the world, और उस पार्टी जो है वो वापस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ पाकिस्तान को और यंगर पाकिस्तानियों को धकेल रही है। That's a matter of great, great concern. नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर यही बात लेके मैं मेजर साहब आपकी तरफ जाऊं, आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ तो इमरान खान ने भी की थी, सॉरी पाकिस्तान के इंडिया की, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भारत जो है वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आता कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। आप किस तरह देखते हैं कि अब अगर नई क्यादत आती है जैसे बिलावल भुट्टो आए हैं या कोई दूसरा आता है तो क्या भारत इंटरेस्टेड होगा बात करने में? देखिए अर्जुन जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब जब पावर में थे, जब वो प्रधानमंत्री थे आपके देश के, तब उन्होंने खूब जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली टारगेट करा, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज और ये सब चीजें। ये बेसिकली क्या है कि आपके इख्तलाफात हो सकते हैं लोगों से और होने भी चाहिए। एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि आपके किसी से इख्तलाफात भी हों लेकिन इतना होना चाहिए कि दुआ सलाम बरकरार रहे आपके, उसमें इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि जब कोई घर से गुजरे, ठीक है, तो एक बार हाथ उठा के आपको सलाम बोल दे, आप उसको सलाम बोल दें। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गुंजाइश खत्म कर दी। देखिए इंडिया ने जो करा 370-35 से हटाया, पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा, जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान का पूरा हक है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करे, राइट, और इसमें पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता, खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान की मर्जी, पाकिस्तान की खुशी। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें जब आप लगातार किसी पे जाती अटैक करेंगे, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा, देखिए ना इसके ऊपर इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा। इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, इन्होंने बोला कि हम 370-35 से हट गया, जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे, और ये बार बार खान साहब हर हफ्ते कहते रहे खान साहब। तो इससे ये मैसेज गया आम पाकिस्तानी में, जो हो सकता है कि क्योंकि हम लोगों का तो रोज का पेशा है ये इंडिया पाकिस्तान खेलना, तो हमारा तो रोज का पेशा है, लेकिन जो आम हिंदुस्तानी है, आम पाकिस्तानी है, जिसको इसके बारे में इतना इंटरेस्ट ना भी हो, उसके और मसले हैं, उसको ना भी इंटरेस्ट हो, तो उसको ऐसा लगा खान साहब की बात सुन के कि जैसे इंडिया से रोज फोन जा रहा होगा, खान साहब बात क्यों नहीं कर रहे हमसे, और खान साहब जवाब में ये कह रहे हैं कि आप जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, यहां से फोन नहीं गया। मेरा ये कहने का मतलब है आजू जी कि इंडिया को दो तीन चीजें, इंडिया देखिए मैं आपको, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग एज फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग, अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाई पाकिस्तान इज इन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट इज बिकॉज ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये बात सच है। और इंडिया ने देखिए जितना, और जो पाकिस्तानी समझते हैं ये साजिश नहीं है, साजिश वो होती है जो लोग बंद कमरे में चुपचाप करते हैं। 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो अगर मैं अनाउंस करके कोई, मैं कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया मैंने हटा दी, इसमें साजिश कैसी है? ये तो कह के कर रहा हूं मैं। साजिश होती है जब पीठ में आप किसी के छुरा घूमते हैं, वो साजिश है। आप सरप्टिशियसली कोई काम करें, ये तो सामने हुआ जो भी हुआ, और सामने बीजेपी डे वन से कह रही है। अच्छा, हमें फौज में सिखाया गया कि किसी भी चीज को करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी। बीजेपी का इंटेंट हर समय था, बीजेपी की कैपेबिलिटी नहीं थी, इंटेंट हर समय था। जब उनकी दो सीट्स थी हमारी पार्लियामेंट में तब भी बीजेपी का इंटेंट था, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई उन्होंने हटा दिया, तो लगातार उनके मैनिफेस्टोज में। तो ये कहना कि साजिश थी, कोई साजिश नहीं है इसमें, ये कह रहे हैं और उन्होंने कराया। अब आपने बोला कि ये कब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात, मैं बता रहा हूँ ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मैंने आप ही की शो में डिस्कस करा था अर्जुन जी, अब देखिए होनी तो चाहिए बात, राइट, और लोग आपस में, लोग कहेंगे कि कब हम भाइयों की तरह रहेंगे या कब हम प्यार मोहब्बत की बात है। हम लोग अगर तमीज से बात कर लें एक दूसरे से, ये बहुत बड़ी बात है, हम तो तमीज से बात नहीं करते एक दूसरे से ना। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर बोथ द कंट्रीज, यू नो, इफ दे कैन एंगेज विद ईच अदर इन अ सिविलाइज्ड मैनर, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो फिर वहां से मसले। जहां तक कश्मीर का मसला है, दैट इज एन इमोटिव इशू फॉर पाकिस्तानीज एज वेल एज इंडियंस फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है, पाकिस्तान का अपना अलग मसला है, इंडिया का अपना अलग मसला है, लेकिन
it's an emotional, it's an emotive issue for both the nations. That much is now. इंडिया की तरफ से मैं बता सकता हूं, इंडिया का कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है. इवन बिफोर कारगिल ट्रस्ट डेफिसिट था. एक मैप्स साइन करे थे शिमला अग्रीमेंट पे, उसके आसपास मैप्स साइन हुए थे और आपको पता ही है स्टोरी की, नक्शे साइन हुए थे इंडिया के भी पाकिस्तान के भी कि साहब विंटर्स में आप लोग नीचे आ जाएंगे और समझ में फिर हम ऊपर चले जाएंगे. दोनों मुल्कों के डीजीएमओज आपस में बातचीत करेंगे फोन पे, सिग्नल होगा नीचे आएंगे, फिर सिग्नल होगा वापस ऊपर चढ़ जाएंगे. 1999 में करार तोड़ दिया पाकिस्तान ने, और तब तोड़ा जब मीनारे पाकिस्तान पे वाजपेयी जीत है. अब लोग कहते हैं मियां साहब को पता था, कुछ लोग कहते हैं मियां साहब को नहीं पता था. एंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज हमने किसी एक इंडिविजुअल के साथ साइन नहीं करा था, हमने तो पाकिस्तान के साथ साइन करा था, राइट. और भी ऐसी चीज हुई है, जैसे कि मोदी जी ने कोशिश करी थी जब मियां साहब को बुलाया था, अपने इनॉग्रेशन पर बुलाया था, फिर उनके उनके घर में आई थिंक उनकी पोती की शादी हुई थी, समथिंग लाइक दैट, उनके घर पर शादी हुई थी, तो ही ब्रोक प्रोटोकॉल एंड ही सेड नहीं हटो मुझे जाना है, दोस्त है मेरे. तो इनको क्या लेना, नवाज शरीफ को क्या मिल गया नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी को क्या मिल गया नवाज शरीफ से, क्या क्या हो गया ऐसा. ये तो इट वॉज जस्ट बिल्डिंग अप. तो यहाँ पे इंडिया में ये चीज है कि अगर हम करेंगे दोबारा तो दोबारा कुछ होगा. एंड नाउ फॉर द पास्ट थ्री इयर्स इमरान खान ने, पता है सबसे खराब काम क्या करा, मैं आपको बताता हूँ. मुझे कहना नहीं चाहिए, ही इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, बट जो मुझे लगता है कि द डिसर्विस दैट ही डिड वाज टू पाकिस्तान, नॉट टू इंडिया. ही ब्रोक रिलेशंस विद इंडिया एंड दिस सूटेड इंडिया बिकॉज यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट कश्मीर. आप जाते, आप अकेले बात करते थे कश्मीर के बारे में यूएन में, वो कोई सुना, किसी ने नहीं सुना, वापस आ गए, इट हैड नो इंपैक्ट बिकॉज कश्मीर हमारी तरफ से इट्स अ बायलैटरल इशू. बायलैटरल इशू में दो लोग होते हैं, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से बायलैटरल इशू था, एक बंदा बात ही नहीं कर रहा, कहानी खत्म हो गई, वो इशू ही खत्म हो गया 3 साल में. नाउ कश्मीर फॉर वॉट एवर प्रैक्टिकल रीजन इट्स गॉन, इट्स नॉट अबाउट 370-35 ए. आपने कश्मीर के ऊपर एंगेज करना ही बंद कर दिया. नाउ इट इज slipped from people's memories. Now today nobody is interested. Bilawal Bhutto kitna United Nations Security Council mein Kashmir Kashmir bola, nobody will. Wo khatam ho gaya mamla. Aur ye Pakistan ke liye bahut badi disservice Imran Khan ne kari, because ek threat tha jisse Kashmir ke bare mein Pakistan, you know, duniya ko bolta tha, chahe wo human rights ke bare mein baat karta tha Pakistan, ya United Nations Security Council ke resolutions ke bare mein Pakistan baat karta tha, ya fir jo wahan pe kuch bhi Pakistan ko theek nahi lagta tha uske bare mein baat karta tha. वो जो चीज थी वो इमरान खान ने खत्म कर दी. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी. अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें. तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.